गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे वी हैव अ सेशन अबाउट मैथ्स। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिवीजन चैप्टर रियल नंबर्स, राइट? सो एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, गिव्स मी थम्स अप। If I'm audible and visible, then okay. चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके गुड फाइन। सो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। तो सब लोगों को बेसिक पता है व्हाट इज रियल नंबर, एंड हमने लास्ट क्लास के अंदर भी ये सब सीखा हुआ है कि रियल नंबर्स वगैरह क्या है क्या नहीं। सिंबल में थोड़ा ओवरव्यू दूंगा आपको इस चैप्टर के बारे में, और उसके बाद उसके चैप्टर्स पे जाएंगे। इसमें दो चैप्टर्स रहेंगे हमारे, और इसमें खास हम फर्स्ट 40 मिनट्स हम लोग पूरा रिविजन करेंगे चैप्टर का। लास्ट 20 मिनट फॉर यू, दैट यू कैन आस्क मी दी एनी डाउट। ओके, तो फर्स्ट 40 मिनट हमारे रहेंगे पूरा रिवीजन। जब ये पूरा टॉपिक जो हमारा फर्स्ट रहेगा रियल नंबर्स, उसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, जो भी उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन आपको क्या करना है, तो उसके बेस्ड पे आपका कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट? सो वन सेकेंड। ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन। व्हाट इज रियल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल? सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द फर्स्ट नॉर्मल नंबर्स, दैट व्हिच इज फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्या रहेंगे, हम सबको पता है नॉर्मल बेसिक कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इज आर जन नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने सीखा होल नंबर्स, उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, 0 एंड 1, 2, 3। दैट मीन्स एंटायर नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, तो वो था हमारा इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। एंड सेट ऑफ इंटीजर कंटेन दैट ऑल नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। सो वी कैन से दैट दिस नंबर्स आर इंक्लूडेड इन सेट ऑफ इंटीजर, राइट? देन उसके बाद हमने सीखा था सीधा रियल नंबर्स, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है बेसिक रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स दैट मींस रियल नंबर्स के अंदर कौन से हो जाएंगे, ऑल दिस थ्री सेट, दैट मींस सेट ऑफ इंटीजर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर, पूरे के पूरे किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स के अंदर। बट ये जो सेट ऑफ हमारा इंटीजर है और ये जो हमारा रियल, इसके बीच में वी हैव वन सेट, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो किस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और उससे पहले हमें बेसिक थोड़ा सीखना है कि फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक एल्गोरिथम, बराबर, राइट है? तो फर्स्ट हमारा है एरिथमेटिक का बेसिक कंसेप्ट, ये रहेगा हमारा कि फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। ये दो फाइंड हो जाएंगे, इसके बाद हम आगे पॉइंट पे जाएंगे इरेशनल नंबर्स, किस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर हम बोलेंगे, और उसके कुछ प्रूफ है जो आपको सिंपली याद रखना है, और इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट, जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर जो देखा हुआ है उसका ही वन बेसिक रिवीजन करेंगे। देन आफ्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव अ प्रॉपर डिफरेंट टॉपिक्स, और उसके अंदर खास आपको वो ध्यान रखना है। रेडी? तो फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, और वी कैन से दैट एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ओके, सो सिंपल, ये एचसीएफ और एलसीएम आपने ऑलरेडी
आपके बाकी 8 स्टैंडर्ड 8 क्लास 9 क्लास में आपने फाइंड करना सीख लिया है, वही चीज हम करेंगे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 36 एंड 48 दो नंबर हमारे पास है, राइट। 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से होंगे? दैट वी नो दैट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स यू कैन से दैट 2 रेस टू 2 एंड 3 रेस टू 2, दिस इज अवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, राइट। व्हाट इज प्राइम नंबर? दैट वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, राइट। सो यहां पर 36 के प्राइम हमने निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। सिमिलर वे वी हैव 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3, दैट मीन 2 रेस टू 4 एंड 3 रेस टू 1। सो HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48 क्या हो जाएंगे? तो हाईएस्ट इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? यू कैन सी दैट वी हैव, आई एम जस्ट, यू हैव 2 रेस टू 2 एंड हियर 2 रेस टू 4। तो हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से रहेंगे? तो 2 रेस टू 2, दैट मीन्स 4, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 रेस टू 1, दैट इज 3। सो 4 इंटू 3, दिस इज 12, इज HCF ऑफ 36 एंड 48, राइट। सिमिलरली फैक्टराइजेशन, सो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 2 रेस टू 4 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 3 रेस टू 2, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज 72। सो वी हैव HCF एंड LCM ऑफ दिस टू नंबर। सिमिलर वे वी कैन से दैट फ्रॉम दिस एग्जांपल दैट HCF द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, राइट, एंड LCM इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो यहां पर जो मैंने यहां पर अभी आपको एक एग्जांपल छोटा सा एक्सप्लेन किया कि HCF, HCF मींस व्हाट हियर? HCF इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। सो यहां पर हमारे पास दो कॉमन फैक्टर कौन से है, मतलब जो भी है प्राइम कॉमन फैक्टर इज 2 एंड 3, उसमें स्मॉलेस्ट पावर, सो 2 रेस टू 2 एंड 3 रेस टू 1, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू बिकम्स HCF, राइट। सिमिलर वे व्हाट इज LCM? हियर वी सी दैट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ओके, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सो वी हैव हियर प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 3, एंड ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2 इज 2 रेस टू 4, एंड ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 3 इज 3 रेस टू 2। सो वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू इज 70। सो सिंपली वी कैन से दैट दिस इज द कंक्लूजन ऑफ HCF एंड LCM, जो आपको सिंपली याद रखना है, ओके, कि ये आपका क्या रहेगा और LCM कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके ऊपर से हमारे पास एक सिंपल कंक्लूजन ये मिलता है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन वी कैन से दैट HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। हियर यू कैन सी दैट, अब HCF एंड LCM आगे अगर हम एग्जांपल देखें, प्रीवियस एग्जांपल पे फोकस करें थोड़ा, तो आप देख सकते हो यहां पर कि हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, 36 एंड 48, राइट। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बोल रहे हैं यहां पर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 इंटू 48 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ AB। तो प्रोडक्ट यहाँ पर HCF ऑफ AB क्या था, 12, दैट इज ए, हियर वी हैव ए इज 36 एंड बी इज 48, राइट। सो 12 इंटू 72, सो अगर आप यहाँ पर बोले जाए तो यहाँ पर 12 इंटू 72, ये ऑलवेज सेम रहेगा। ये जो हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिया, इसके ऊपर से हमारे पास एक हम फाइंड कर सकते हैं, इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ HCF एंड वी नो द नंबर ओनली, then from this result we can find LCM like this, LCM of AB is equal to A into B by HCF of A in and B. Similar way, if we know the LCM and value of A and B, then we can find HCF also. So HCF of
एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी. सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी हैव दिस टू कंक्लूजन, नंबर वन एंड नंबर टू. सो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन फाइंड दिस एग्जाम्पल, वी कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल. सो टेक अ लुक ऑन दिस एग्जाम्पल. द फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सिंपल, क्या करना है आपको, तो ये जो 96 है उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं वो हम निकालेंगे, देन हम फाइंड करेंगे 404 के प्राइम फैक्टर्स. इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे एचसीएफ. और हमें ये पता है ए दिस इज अवर बी, एंड हम फाइंड कर लेंगे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्रीवियस स्टेटमेंट. ओके, सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 96? सो प्राइम फैक्टर ऑफ 96 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड वी हैव हाउ मेनी, दैट इज दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या रहेगा हमारा, 2 रेज टू 5 इंटू 3 हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3. सो यू कैन से दैट 2 रेज टू 5 इंटू 3, राइट? सो 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96. ओके, बट मैक्सिमम 2 रिपीट 5 टाइम्स एंड 3 रिपीट 1 टाइम. सिमिलर वे 404. सो 404 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 101. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404. सो वी कैन से दैट 2 रेज टू 2 इंटू 101, राइट? रेडी? Now, from these two, we can find HCF of 96 and 404, right? So, what is HCF? Previously, we already discussed what is HCF. That means this statement, smallest power of each common prime factor, smallest power. Okay, so here, what is the smallest power of 2? So, 2. Smallest power of 2 is 2 raised to 2. And what is another prime factor is 3. And what is smallest power of 3 is 3 raised to 1. And we have another is 101. So this is our HCF, and which is we have answer HCF of highest common factor. दोनों में जो common factor रहेगा वही. तो कॉमन फैक्टर यहां पर क्या है, खाली ओनली 2. इन दोनों में कॉमन है 2 रेज टू 2. दिस इज ओनली, दिस 3 एंड 101 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर. सो आंसर इज 4. ओके, इफ वी वांट टू फाइंड द एलसीएम इन दैट केस वील टेक 3 एंड 101 आल्सो. ओके, सो फ्रॉम दिस हमने खाली फाइंड किया यहां पर एचसीएफ. अब HCF हमें मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, सिर्फ 4 रहेगा. दैट मींस 4 से आप 96 को भी डिवाइड कर सकते हो एंड 404 को भी डिवाइड कर सकते हो. ओके, बट अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्रीवियस स्टेटमेंट एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, सो हमारे पास क्या एक फॉर्मूला रहेगा. तो फॉर्मूला हमारा क्या था, तो अगर हम फॉर्मूला को फॉलो करें, फॉर्मूला हम लिखू अगर मैं यहां पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी, राइट? सो वी नो दैट व्हाट इज ए बी इज 96 इंटू 404 डिवाइड बाय एचसीएफ ए बी इज 4. सो फ्रॉम दिस वी हैव फाइनल रिजल्ट. वी कैन कैंसल दिस 4 विथ दिस 101. ओके, सो फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर इज 9696. दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला वी कैन यूज डायरेक्टली. ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं व्हेन एवर वी हैव आइदर ऑफ दिस. ओके, ए एंड बी इज ऑलरेडी गिवन, वो आपको दिए होंगे. अगर हम एलसीएम या तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं दोनों में से कोई एक, तो ये रिजल्ट का यूज करके हम बाकी का जो रिमेनिंग रहता है वो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल था इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, राइट? नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हमारे पास है एचसीएफ एंड एलसीएम का. हम पहले क्या करेंगे, यहां पर 3
नंबर है हमारे पास, तो तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, सो सिक्स के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 raised to 1, दैट मींस 2 into 3। 72 के प्राइम फैक्टर क्या रहेंगे? सो फर्स्ट हम 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 into 2 into, हमारे पास 72 के हमारे कितने हो जाएंगे? 2 into 2 into 2, देन वी हैव 3, लाइक दिस। 72 को हम अगर डिवाइड करना स्टार्ट करें, सो 2 से क्या होगा? 36। 2 से क्या होगा? 18। देन 2 से क्या होगा? 9। एंड 3 से कैंसल आउट होगा 3, एंड 3 से 1। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। सो वी हैव 3 into 3, सो वी कैन राइट, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 raised to 3 into 3 raised to 2, और ये तो हमारे सिंपल 2 raised to 1 and 3 raised to 1। ओके, नाउ 120 जो हमारे पास है उसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? सो फिर से अगेन सेम कंसेप्ट, ऐसे ही हम लॉन्ग डिवीजन सिंपल डिवीजन करेंगे, तो 120 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 से क्या हो जाएगा? 60। 2 से क्या हो जाएगा? 30। 2 से 15, देन सेकंड प्राइम फैक्टर। नाउ दिस 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी विल डिवाइड बाय 3, सो वी हैव 5, एंड 5 से क्या हो जाएगा? 1। ओके, सो ये हमारा हो गया डिवीजन। सो वी हैव क्या क्या मिल गया हमें? 2 into 2 into 2 into 3 into 5, सो वी हैव 2 raised to 3 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1। नाउ अब हमें फाइंड करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका हमें फाइंड करना है? 6, 72 एंड 120। तो हमने अभी स्टेटमेंट देखा था स्मॉलेस्ट पावर ऑफ जो हमारा कॉमन प्राइम रहेगा वो, यहाँ पर कॉमन प्राइम क्या है? 2, 2 एंड 2, उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? तो 2 raised to 1। एंड सेकेंड कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है? तो 3। ओके, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? तो 1। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 6। इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो तीनों तीन का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6। सिमिलर वे अगर मैं LCM फाइंड करता हूं, तो LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, ये क्या हो जाएगा? तो उसमें हमें क्या करना है? तो जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है, हर एक के हमें क्या फाइंड करना है? हाईएस्ट पावर लेनी है। सो 2 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी? 2 raised to 3, रेडी, एंड उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर 3 raised to 2, एंड उसके बाद हमारे पास और एक भी नंबर है 5, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 5 raised to 1, वो भी हमें कंसिडर यहाँ पर एलसीएम में करना है। ये हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा? तो 8 into 9 into 5, रेडी, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? 360, राइट। तो ये हमारा हो गया एलसीएम एचसीएम। बट हमने जो अभी आगे स्टेटमेंट देखा था, प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये हमने अभी जस्ट आगे एक स्टेटमेंट देखा था, ये वाला। ओके, ये आपको सबको याद रहना रखना, ये आपको याद रखना है। फॉर टू नंबर्स वी कैन से कि एच सी एफ एंड एल सी एम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, ये हमें ऑलरेडी हमने आगे प्रूव कर लिया, एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल रहा, राइट। बट अगर आपको बोला जाए कि क्या 3 3 नंबर के लिए ये पॉसिबल होगा, तो आप ये चेक कर सकते हो कि 3 नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आप करो HCF LCM का, विच इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस, ओके, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? तो उसके लिए हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट HCF एंड LCM, राइट। तो उसके लिए क्या हो सकता है? कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर हमें सिर्फ एलसीएम ही पता हो, तो सिर्फ एलसीएम पता हो और 3 नंबर्स पता हो, तो वो एलसीएम का यूज करके हम एचसीएफ इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। और उसमें आपको क्या क्या पता होना जरूरी है? 3 नंबर्स तो आपको दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर एंड एलसीएम ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स, बिकॉज वी हैव ए बी सी 3 नंबर है, तो 3 का पेयर वाइज। ओके, तो ए बी का एलसीएम, BC का LCM एंड AC का LCM, अगर इन तीनों के LCM हमें सेपरेटली पता है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे और इन तीनों के प्रोडक्ट से हम डिवाइड करेंगे 3 नंबर एंड LCM ऑफ दैट नंबर। सिमिलर वे बाय सेम कंसेप्ट वी हैव LCM, अगर हमें पता है 3 नंबर्स और उसका HCF हमें पता है, एज वेल एज हम HCF फाइंड करेंगे तीनों नंबर के पेयर ऑफ 3 नंबर्स, तो हम LCM डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अगर आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स एमसीक्यू वगैरह आते हैं तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट, तो इसको आप खास नोट डाउन करिए, ये आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। तो हमारे पास दो ऐसे स्टेटमेंट बन गए, फॉर टू नंबर्स एंड फॉर थ्री नंबर्स, और अगर हमें तीन नंबर्स पता है तो तीन नंबर के ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, तो वो हमें उसके ऊपर से। रेडी? सो वी हैव दिस टू कंक्लूजन फॉर टू नंबर्स एंड थ्री नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स, राइट। अब हमारे पास बेसिक सिंपल, अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रेशनल नंबर के बारे में। तो इसके अंदर आपने एक चीज, हमने इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज मेनली है और इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। अगर एग्जाम में आप देखोगे तो या तो आपको एक एमसीक्यू आएगा, मतलब जो छोटा सा एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसमें आएगा एचसीएफ एलसीएम बेस्ड एक एग्जांपल, दैट मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक जो है उसके बेस पे, ये जो स्टेटमेंट है उसके बेस पे। ओके, तो इसके बेस पे एक हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल आ सकता है, और दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा रहेगा वो बेस्ड रहेगा रेशनल रियल नंबर पे। रियल नंबर के अंदर हमने बताया था कि सबसे पहले हम बचपन से सीखते आ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने सीखा सेट ऑफ होल नंबर, और उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर। एंड वी नो दैट सेट, एक हमें बताया सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब ये सेट हम बचपन से सीखते सीखते यहां तक पहुंचे हैं, सेट ऑफ इंटीजर क्या रहे, नेचुरल नंबर क्या, नेचुरल नंबर हम सबको पता है, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर में जीरो, जस्ट जीरो ऐड हो जाएगा ग्रुप सेट के अंदर, हम उसको इंक्लूड करेंगे। और इंटीजर्स के अंदर कौन से रहेंगे नंबर्स, तो नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ये हमें पता है, राइट बच्चों। अब व्हाट इज ये क्यू, क्या डिनोट करता है, तो क्यू इज रेशनल नंबर, वो भी हमने देखा हुआ। रेशनल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो पी बाई क्यू फॉर्म। इफ एनी नंबर रिप्रेजेंटेड लाइक पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू बोथ आर बिलोंग्स टू जेड, दैट मीन्स पी एंड क्यू दोनों नंबर कोई भी इंटीजर होंगे, बट अदर देन क्यू इज अदर देन जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये जो नंबर है वो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए कंपलसरी क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी पी एंड क्यू आप कोई भी नंबर इसमें से लेके कोई भी रेशनल नंबर बना सकते हो। रेशनल नंबर सबको सिंपल बेसिक पता है, बट रेशनल नंबर के बाद हमने देखा था रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में क्या होगा, तो रियल नंबर्स ये बनेगा सभी सभी नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब नेचुरल होल नंबर, बिकॉज वी नो दैट नेचुरल नंबर ऑल आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। उसके बाद आएगा इंटीजर, दैट मींस होल इंटीजर्स आर पार्ट ऑफ दैट इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद आएगा क्यू, दैट मींस रेशनल नंबर्स। सो ये सभी नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमने अभी देखा था एक सेट फॉर्म में कि एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, सबसेट दैट मींस देखो ये एन है, इसके अंदर खाली जीरो ऐड कर लिया तो ये होल नंबर बन गया पूरा। रेडी? ये पूरा होल नंबर। फिर उसके बाद जेड, जिसके अंदर ये सब पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ये पूरा जेड बन जाएगा। रेडी? और उसके बाद आएगा रेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है, तो इस सब के सबको इंक्लूड करता हुआ एक हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा रियल नंबर्स। बट इन दोनों के बीच में जो हमारे पास बना सेट, अभी हमने जो बताया यहाँ पर एक बार फिर से उसको मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो दोनों के बीच में एक सेट आता है, दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, उसके लिए हम कोई नोटेशन नहीं यूज करते, जैसे कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से, रेशनल को क्यू से एंड रियल को आर से। बट वैसे ही इरेशनल के लिए हमारे पास कोई यहाँ पर नोटेशन नहीं है, बट कैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, तो ये हमने ये भी कहीं ना कहीं देखा हुआ है कि इरेशनल नंबर हम कैसे नंबर को बोलेंगे, कि ऐसे नंबर्स जैसे कि लाइक वी नो दैट कि रेशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, कोई भी रेशनल नंबर को हम लिखते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, राइट, पी बाई क्यू।
दैट मींस ये पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब अगर मैं 1/2 लिखूं तो ये क्या है, रेशनल की इरेशनल। सो हम इसका अगर डेसिमल एक्सप्रेशन देखें तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, 0.5। ओके 0.5 दैट मींस यहाँ पर टर्मिनेटिंग है ये। अगर मैं लिखूं 1/3 तो 1/3 क्या होगा, 0.3333। ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिकरिंग है, दैट मींस 333 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते थे कि ये हम ऐसे डिनोट करेंगे, दैट इज ये रिकरिंग है। अगर कोई हमारे पास ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। सपोज हमारे पास है √2, देखो वी कैन से दैट। अगर मैं आपको पूछूं √4, तो √4 क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट √4 क्या, √4 इज 2। √4 क्या होता है, 2 होता है। तो हमें इस 4 का स्क्वायर रूट पता है 2, एंड वी नो दैट 2 इज 2 एज अ 2/1। ओके सो इन दिस फॉर्म, एंड अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 2.0, सिंपल और कुछ नहीं है। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है बराबर। बट अगर मैं लिखूं √2, इसकी वैल्यू 1.7 समथिंग चल रही है, 1.4142। बट वी डोंट नो कि इसके बाद कौन से डेसिमल्स आएंगे। कोई डेसिमल ऐसा नहीं है कि इसके बाद ऐसे रिपीट हो रहे हैं, मतलब दैट मींस रिकर हो रहे हैं या तो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। इरेशनल नंबर। एसएमएस हमें ये भी बताया कि देखो पाई की वैल्यू, पाई हम सब लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग है, बट आगे हमें पता है कि आगे कंटिन्यूअस 1.4 1.5 समथिंग आगे कुछ ना कुछ है, बट हमने क्या कंसिडर किया है, जस्ट टू टू डेसिमल 3.14। बट हमें पता नहीं है कि आगे 5 के बाद कंटिन्यूअसली अगर देखने जाए तो हमें, अगर हम याद भी कर ले तो इसके कुछ नंबर्स याद कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट कौन सा नंबर रिपीट होगा, दैट एग्जैक्टली वी डोंट नो। तो इसीलिए ये पाई भी हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मतलब ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा या तो ये यहाँ से रिपीट नहीं होगा, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे। जैसे कि √3 है हमारे पास, √5 है। तो ऑल नंबर्स, ऑल स्क्वायर रूट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। लाइक देखो 4 जो है वो स्क्वायर रूट, बट हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। अगर मैं लिखूं √9, सो 3। सो दिस नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज एक्सप्रेसिबल एज अ रेशनल नंबर, राइट। बट स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये जो नंबर्स है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज, अगर सिंपल अगर याद रखना है कि इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, स्क्वायर रूट और द नंबर, इफ वी कन्वर्ट दैट नंबर इन डेसिमल पॉइंट्स विच कैन नॉट बी रिकर और रिपीट और टर्मिनेटिंग। ओके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर्स। Ready? तो ये सिंपल डेफिनेशन है इरेशनल रेशनल की। अगर आपने फॉलो किया होगा तो सिंपल एक एग्जांपल आप सबको पता है, अगर मैं आपके साथ बाद में शेयर कर रहा हूँ ये वही चीज, कि आपने ऑलरेडी ये प्रूव दिया हुआ है कि √2 इज इरेशनल नंबर। ओके ये हमने ऑलरेडी प्रूव दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल्स किए हुए हैं। और आपके इस चैप्टर के अंदर से, जैसा मैंने आपको बताया अभी, हमारे पास दो पार्टीशन है। एक हमारे पास है HCF एंड LCM टॉपिक, इसमें से कोई भी अगर पॉसिबिलिटी है तो एक एमसीक्यू की पॉसिबिलिटी है, इसके बेस पे एक एमसीक्यू आएगा। और दूसरा पार्ट जो, मतलब एक पार्ट हमारा हो गया ये फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, दूसरा हमारा जो पार्ट है रियल नंबर्स के अंदर, दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर के अंदर किस टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, तो इस टाइप के एग्जाम्पल के अंदर प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ओके सिमिलर वे इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू आस्क दैट √3 इज इरेशनल नंबर। सिमिलर वे वी कैन prove that √5 is irrational number. All these examples all these example, ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो वो सभी एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मैथ वो थियरम जो है वो हमें यूज करना पड़ेगा। रेडी तो आप √7 भी कर सकते हो, इवन आप इसका यूज करके 3+√5 और 3-√5 और 2-√7 और 2+√7, ये कोई भी आप ऐसे प्रूफ दे सकते हो। ओके तो
अगर आपके पास कोई भी एक प्रूफ का स्टेटमेंट आपको पता है कि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे स्टार्ट करनी है, बस उसका ही आपको यूज करना है। और इसके लिए हमारे पास सिंपल एक स्टेटमेंट है, ऐसा एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ सिंपल लेते कि लेट पी इज अ प्राइम नंबर। पी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। ओके, एंड इफ पी इज डिवाइड्स पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर कोई नंबर है हमारे पास, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए स्क्वायर ए इज पॉजिटिव इंटीजर, ए इज पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस ए बिलोंग्स टू जेड प्लस। अगर ए हमारे पास ऐसा कोई नंबर है तो पी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर लिया, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। ओके, सो पी जो है वो डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। और इसका यूज करके हम आगे ये जितने भी प्रूफ हमने बोला कि ये इरेशनल, रूट थ्री इज, रूट टू इज इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, रूट फाइव, और इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल आप प्रूव कर सकते हो, तो फ्रॉम टेक्स्ट बुक और आउट ऑफ टेक्स्ट बुक ये पूछ सकते हैं आप, बराबर। एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। तो अब आपके आपके साथ मैं एक और यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप, हमारे पास और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर जो हम करेंगे अभी। ये रहा, ये हमें यहां पर दिया हुआ है, चलो यहां पर एक एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट 3 + 2√3 इज इरेशनल। ओके, ये एक्स्ट्रा उसको इग्नोर करना है इसको। चलो ये है हमारे पास, थोड़ा उसको जूम आउट कर लेते हैं हम लोग। ये आपको थोड़ा था, चलो रेडी। सेकंड रेडी, सो ये हमारे पास एग्जांपल है कि लेट फर्स्ट हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर है वो रेशनल है, और हमने अभी देखा कि अगर ये नंबर रेशनल है तो कोई भी रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो कोई भी सॉरी कोई भी रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कोई भी रेशनल नंबर को लिखने के लिए हमारे पास है पी बाई क्यू फॉर्म जो हमने अभी आगे डिस्कस किया। तो अगर ये रेशनल नंबर है सो वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर एज दिस फॉर्म, दैट मींस एक्स बाई वाई फॉर्म, दैट मींस पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, नाउ अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो 2√5 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई -3, ऐसा लिखेंगे हम, 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और ये 2 से हम डिवाइड कर ले तो ये 1/2 ऑफ दिस ये बन जाएगा। नाउ यहां पर हमें पता है कि एक्स एंड वाई दोनों क्या है, इंटीजर, बिकॉज रेशनल नंबर के अंदर जब हम पी बाई क्यू फॉर्म लिखते हैं तो उसके अंदर पी एंड क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, बट क्यू इज नॉन जीरो, राइट, सो हियर वाई इज नॉन जीरो, और हमारे पास ये हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको रेशनल लिया हुआ है तो ये जो नंबर आया वो क्या हो गया मेरे पास, रेशनल हो गया। रेडी, अब अगर ये रेशनल है तो ये अगर रेशनल है सो वी कैन से दैट देयरफॉर √5 इज आल्सो रेशनल नंबर, राइट, बट ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि √5, हमें पता है कि √5 कैसा है, इरेशनल, बिकॉज √5 को वी कैन नॉट एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। √5 को हम टर्मिनेटिंग या तो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते जहां पर √5 इज इक्वल टू कोई डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो हो जाएगा आपका नॉर्मल लाइक 1/2 और 1/3, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में वो हम एक्सप्रेस √5 को नहीं कर सकते। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया जो हमने यहाँ पर लिया था उसके साथ, ये स्टॉप करना पड़ेगा आपको।
सेकेंड, ओके। सो यहां पर आपको ये चीज खास ध्यान रखनी है। तो कोई भी आपके पास एग्जाम्पल हो, आप इस तरह भी इसको सिंपली प्रूफ दे सकते हो। कोई भी इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बोला हो, तो अगर रूट सेवन बोला है तो सेम वे, फर्स्ट वी स्टार्ट विद रूट सेवन इज इरेशनल नंबर, और उसके बाद हम ऐसे दो नंबर को प्राइम नंबर एक्स एंड वाई, वेयर वाई नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट रूट सेवन इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, और उसके बाद हम दोनों साइड में स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम सेम वे कंसिडर करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि रूट सेवन इज इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास और एक था प्रूफ, मतलब सेकेंड टॉपिक था हमारे पास जिसको हमने करना था, राइट। अब हमारे पास है, वन सेकेंड, ओके। सो आप ऐसे और भी प्रूफ दे सकते हो, राइट। तो यहां तक हमारा जो हमने बेसिक कर लिया वो क्या क्या चीजें की, दो चीज जो अभी हमने बताया वही रेडी, कि एक आपको ये चीज करनी थी कि फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, जिसके अंदर हम एच सी एफ एंड एल सी एम फाइंड करना सीखेंगे, और उसका यूज कैसे करना है और किस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं उसमें। तो दूसरा हमारे पास है प्रूफ, किसके प्रूफ, तो कोई भी नंबर आपको दिया है, आपको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, इरेशनल है, वो आपको प्रूफ दिया होगा, और उसके लिए सेम कॉमन आपको कॉन्ट्राडिक्टरी थियरम का यूज करना होगा, राइट। सो यहां तक हमारा ये सेशन था बेसिक, और चैप्टर नंबर 1 जो हमने यहाँ पर